हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवेश कुमार, आप देख रहे हैं राइट्स एम्प्लॉइज। फ्रेंड्स, आज की इस लेटेस्ट वीडियो में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप बिना इंटरनेट के यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे और अपना बैलेंस भी चेक कर सकेंगे और अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी चेक कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पूरा लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे बिना इंटरनेट के अपना यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे *999# को टाइप करके डायल कर लेना है। डायल जैसे करेंगे तो आपके सामने ऐसा डिस्प्ले ऊपर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसी के लिए इंग्लिश सिलेक्ट करना है तो वन साइड टाइप करके आपको सेंड कर देना है। इसे आप सेंड करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डिस्प्ले ऊपर आ जाएगा कि यहाँ पे आपको जो बैंक का आपका IFSC कोड होगा, वो IFSC कोड फर्स्ट के 4 लेटर डालना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना IFSC कोड डाल लेता हूँ। उसके बाद डालने के बाद यहाँ पे सेंड कर देना है। मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। फ्रेंड्स, जैसे ही आप सेंड करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डिस्प्ले ऊपर आ जाएगा कि यहाँ पे आपको अपना UPI पिन डालना होगा। जो आप UPI पिन यूज करते हैं वो अपना UPI पिन डालना होगा। जैसे कि आप गूगल पे या पेटीएम में यूज करते हैं, वही पिन आपको यहाँ पे डालना होगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना UPI पिन डाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना UPI पिन डाल दिया है। डालने के बाद फ्रेंड्स सेंड कर देना है। यहाँ पे मैं सेंड कर दिया है। यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। फिर दोबारा से आपको वही नंबर को रिपीट करके डायल कर देना है। फ्रेंड्स, डायल करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। तो अगर आपको पेमेंट करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो जो भी आप ऑप्शन चूज करना चाहते हैं आप यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे कि अगर आपको पैसा भेजना है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 1 सिलेक्शन कर लेना है और उसके बाद सेंड का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स सेंड मनी के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मोबाइल नंबर को, UPI ID या फिर आपने जो सेव कर रखा होगा यहाँ से आप 4 नंबर दबाना है। अगर आप बैंक के थ्रू अकाउंट के नंबर या IFSC कोड के जरिए आप भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 5 नंबर चूज करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 5 नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेंड कर देना। सेंड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना IFSC कोड को फिलअप करना होगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना IFSC कोड डाल दिया। उसके बाद सेंड कर देना। जैसे आप सेंड करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो कंप्लीट पूरा अकाउंट नंबर फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना कंप्लीट अकाउंट नंबर डाल दिया। उसके बाद सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होगा, जो अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है। यहाँ पे आपको अमाउंट, जैसे कि मान लीजिए मैं 40 रुपये फिल करके आपको सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड करेंगे तो यहाँ पे आप रिमार्क भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि स्किप करना है तो फ्रेंड्स 1 दबा के स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना रिमार्क भी डाल लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रिमार्क डाल दिया। उसके बाद फ्रेंड्स सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड करेंगे तो आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। फिर तो उसके बाद यहाँ पे आप अपना UPI नंबर डाल के प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप UPI को चेंज करना चाहते हैं तो 1 दबा करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज तो नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं अपना UPI नंबर डाल के फ्रेंड्स सेंड कर दूंगा। मैंने UPI नंबर डाल दिया। उसके बाद सेंड कर दे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो मैं जो भेजा था ये तो हो गया बैलेंस ट्रांसफर। कैसे आपको बैलेंस ट्रांसफर करना है, तो अगर आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करना है तो यहाँ पे आपको 6 दबा देना है। यहाँ से आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6 दबाकर सेंड कर दिया। फ्रेंड्स, इसे आप सेंड करेंगे तो अगर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करना है तो आपको 1 दबाना है। अगर आपको रिवार्ड चेक करना है तो आपको 2 दबाना है। तो यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखने वाला हूँ, तो यहाँ पे 1 दबा देना है। उसके बाद सेंड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आ जाएगी फ्रेंड्स, अगर आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का जो हमारा यहाँ पे फेल टू सेंड लिख के आ रहा है, अगर आपको इसका स्टेटस चेक करना है कि किस रीजन से हमारा ये ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, तो यहाँ पे आप 1 दबा करके स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।
क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो स्टेटस वो आ चुका है, यहाँ पे रीजन दे रखा है योर बैंक सिस्टम इज ऑफलाइन प्लीज ट्राई अगेन लेटर, यानी कि हमारा जो सिस्टम का सर्वर है वो डाउन था, इसकी वजह से हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो गया। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से बिना इंटरनेट के यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। फ्रेंड्स एक चीज मैं और बता दूं, जो लोग जीपीआरएस यूजर है यानी कि वोडाफोन एयरटेल आइडिया, ये लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जो लोग जियो का सिम यूज करते हैं वो इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वो एलटीए पे चलता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ऐसी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।